और इतने बड़े अपराध में जिस प्रदेश को ही अपराध का प्रदेश कहा जाता था, आज आप दावे के साथ कह सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो चूंकि सरकार का हिस्सा हूं, आप समाज में जुड़े किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि अपराध में कमी आई है कि नहीं, गुंडा राज में कमी आई है कि नहीं, रंगदारी और वसूली कम हुई है कि नहीं। आज उत्तर प्रदेश के गुंडे या तो प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या जीवन बदल लिया है उन्होंने, या तो जेलों में हैं। ये दावा है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कैसी सरकार है जो भयमुक्त समाज दे रही है, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त समाज है। इसके लिए कोई किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं है। कल की तुलना में आज नेटवर्क बहुत अच्छा हुआ है, जो सुधार हुआ है। हम लोग ऐसे स्टेशन सर्व करा रहे हैं जिनसे कि अगल बगल के लोग प्रभावित हैं, तो जहां भी सारी कंपनियों को कहा गया है कि अपने नेटवर्क में वो सुधार करें। कारण ये है कि फिर ये चीज़ें इनका उपयोगिता नहीं रह जाएगी, जैसा आपने कहा, तो नेटवर्क को ठीक करना, उसको बेहतर बनाना, ये सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि ये चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। और नेटवर्क बीच बीच में कहीं बीच दो दो टावरों के बीच में अगर दूरियां ज़्यादा हैं तो नेटवर्क का अभाव रहता है। सरकार की प्राथमिकता है कि उसको तत्काल उसको ठीक कराएगी। मंत्री जी, केंद्र सरकार की भारत नेट योजना थी जिसे सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाना था, भारत नेट योजना अभी तक ज़मीन पर नहीं उतर पाई है, क्या कहेंगे? सर, पूरे देश में इसमें केबल बिछाने का काम चल रहा है और जो ही ये पूरा हो जाएगा, गांव गांव हमारे जो है इस नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। आप जानते हैं कितना बड़ा देश है, सीमाएं बहुत बड़ी हैं, उत्तर प्रदेश सबसे घना विस्तृत प्रदेश है, तो योजनाएं जो सरकार केंद्र और प्रदेश की सरकार की कथनी करनी में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, इनकी कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। जितने वायदे किए जाते हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और वो सब आपको धरातल पे दिखेंगी।